ये पवित्र वेद का ज्ञान अपने आप नहीं बचा लोगों, इसे बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने समय समय पर बलिदान दिए, कुर्बानियां दी। क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी जाति बिना बलिदान के सुरक्षित रह नहीं सकती। समय समय पर जब जब उसमें कुरीतियों का आवरण आता है, बदबू फैलती है, उसको मिटाने के लिए किसी न किसी को संकल्पबद्ध होना पड़ता है। इसलिए कहा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अगर पैदा करना है तो देशभक्त पैदा करो, धर्म भक्त पैदा करो, राष्ट्रभक्त पैदा करो। फालतू का कूड़ा कचरा पैदा करने की कोई आवश्यकता? जोर से बोलो, क्योंकि कूड़ा कचरा किसी के काम नहीं आता, वो तो बस जनसंख्या बढ़ाने का और धरती पर बोझ बढ़ाने का काम करता है, कूड़ा कचरा किसी काम का नहीं है। आज दूसरे लोग पता लगा षड्यंत्र कर 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 करके अपनी दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं बनाते हैं। कभी वो तुम्हारे बर्तन चाट चाट करके तुम्हें खिलाने की योजना बनाते हैं, तो कभी वो सब्जियों में फली में केमिकल मिलाने की योजना बनाते हैं, कभी वो जेहाद करके तुम्हें मिटाने की योजना बनाते हैं, तो कभी वो संख्या बढ़ा करके अपना कब्जा जमाने की योजना बनाते हैं। तुमने सुना होगा जंगल का राजा कौन होता है? जोर से बोल दीजिए। अरे शेर की तरह ही दाड़ दो, सारे मरे मरा ही बैठे हो क्या यहाँ पर? शेर होता है ना, आज नहीं होगा शेर, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आज जंगल में चुनाव करवाओ, गधे भी आएंगे, बंदर भी आएंगे, भेड़िए भी आएंगे, कौवे भी आएंगे, सब आएंगे। और वो आकर के क्या कहेंगे, भैया देखो बहुत दिन हो गए, ये शेर जंगल का राजा बनते 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 बहुत दिन हो गए, अब ये सिस्टम बदलो, गणतंत्र है यहाँ पर, लोकतंत्र है यहाँ पर, और लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव करवाओ। और अगर लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होगा टीकरी ब्राह्मण वालों, तो जिसकी वोट ज्यादा होगी राजा, अगर गधों की वोट ज्यादा हुई तो राजा कौन बनेगा बोलो? अगर भेड़ियों की वोट ज्यादा हुई माता, और राजा कौन बनेगा? और अगर बंदरों की वोट ज्यादा हुई तो राजा किसका बनेगा? और सोचो, दुर्भाग्य ना हो कि किस दिन कोई गधा बैठ जाए गद्दी पर आकर के। परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि भगवान कम से कम कोई गधा या भेड़िया ना बैठ जाए या बंदर ना बैठ जाए, क्योंकि अगर बंदर जैसा कोई नमूना बैठ गया गद्दी के ऊपर आकर के तो क्या होगा। एक बार जंगल में चुनाव हुआ, सबने कहा बहुत दिन हो गए शेर को राजा बनते बनते बदलो, सबने कहा किसको बनाओ? बोले चुस्त दुरुस्त बनाओ, फूर्ती वाला। तो बोले बंदर में बहुत फूर्ती है कि इसे बना दो, बंदर को राजा बना दिया। अब जब बंदर राजा बना तो शेर को तो फिर ताव आया, बोले इनकी इतनी हिम्मत है, ये मरे मराए, ये मेमने, ये मेरे सामने राजा बन के बैठेंगे। शेर ने क्या किया, बकरी का एक बच्चा उठा लिया। जब बकरी का बच्चा उठा करके शेर ले गया तो बकरी त्राहिमाम 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 बचाओ बचाओ करती हुई किसके पास गई? ना बंदर मत कहो उसे, थोड़ा तो सम्मान दे दो, चुनाव किया है हमने उसका भी, है राजा बोलो उसको, राजा के पास गई। और जाकर के राजा से कहा, राजा जी मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया, आप उसकी रक्षा करो। बंदर ने तुरंत गुर्राते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत कर और देख मेरा कमाल। बस ये कहते ही बंदर ने दूसरी डाल पर छलांग मारी, उससे इस डाल पर, उससे इस डाल पर। जब 10-15 मिनट तक बंदर इधर से इधर इधर से इधर छलांग मारता ही रहा, बकरी ने कहा, राजा साहब ये क्या कर रहे हो, जितनी देर में तुम ये कूद फान का नाटक करोगे इतनी देर में तो वो उसे खा जाएगा, बचाओ मेरे बच्चे को। बोले देख सुन, ध्यान से देख, देख मैं कितनी भागदौड़ कर रहा हूं तेरे बच्चे को बचाने के लिए। अब तेरा बच्चा बचे या ना बचे उसकी तो गारंटी नहीं है, पर देख मेरी भागदौड़ में तो किसी तरह की कोई कसर। जोर से बोलो, अगर मूर्खों को राजा चुन लिया तो वो दिखाने के लिए भागदौड़ जरूर करेंगे, पर उस भागदौड़ का असर होगा नहीं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, कोई असर हुआ क्या वहां? सांसदों को भी रातों रात सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ा कि नहीं निकलना पड़ा बोलो?
तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे देश में ये स्थिति नहीं बन रही? तुम्हारे बीच से अगर किसी एक बहन बेटी ने कोई बात टीवी डिबेट के ऊपर बोल दी और वो बोली है जो लिखा हुआ है, प्रमाण है, वो झूठ नहीं है, वो कोई अलग से निकाल करके नहीं बोली। अगर किसी 80 साल के खूसड़, ध्यान रखना, मुसलमान को शादी करनी होती है तो वो यही उदाहरण उठा करके लाते हैं, यही वाले। पर आज यही बात अगर किसी बहन बेटी ने बोल दी और उनकी तादाद, उनकी हिम्मत देखो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जगह जगह देश के अंदर आग लगा दी। जब तुम्हारे शिवजी के बारे में बोला तो किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी, तुम्हारी माता पार्वती के बारे में बोला तब कानों पर चू तक नहीं रेंगी, उन्होंने सीता को व्यभिचारिणी बता दिया तो तुम्हारे कानों पर चू तक नहीं रेंगी। सरे आम मौलवी बैठ करके टीवी डिबेट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे, किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी, कोई भेड़िया नहीं निकल के आया। पर एक बात नूपुर शर्मा ने कह दी और सारे कुत्तों के झुंड निकल करके सड़कों पर आ गए। जरा सोच करके देखो, तुम्हें क्या लगता है ये षड्यंत्र नहीं? तुम्हें क्या लगता है ये पहले से कोई योजना नहीं है? आप जाते हो इबादत करने के लिए और उधर से एकदम से इतने पत्थर तुम्हें कहां मिल जाते हैं कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ता है पर वो पत्थर खत्म नहीं होते? आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई योजना नहीं है? और इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि जो भाईचारे के गीत सुनाए जाते हैं वो सारे के सारे गीत हमारे लिए है, क्या वो उन पर गीत लागू नहीं होता? अगर इतने शांति के स्थापित करने वाले हैं, अगर इतनी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, तो जब नूपुर शर्मा के लिए देश में आग लगा दी तो जिन कुत्तों ने, ध्यान रखना, कन्हैया लाल की गर्दन काटी है, उनके लिए भी सड़कों पर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तब तो पता लगे कि ये भाईचारे का पाठ दोनों तरफ से चल रहा है। और तुम एक पक्ष को लेकर के आग लगा दो देश में और दूसरे पक्ष पर तुम दुदकारी नाल करके बिल में घुस जाओ, इससे पता नहीं लगता, ध्यान रखना। इसलिए थोड़े से सचेत हो जाओ, थोड़ी सी तो आवश्यकता है आप लोगों को जागरूक होने की, थोड़ा सा तो विचार और मंथन चिंतन माताओं तुम भी करो कि तुम कर क्या रही हो आज। एक एक तुम्हारा बेटा, उसे तुमने इतना फुसफुसिया बना दिया, इतना फुसफुसिया बना दिया कि वो 15 मिनट धूप में नहीं खड़ा हो सकता, वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, वो इतना फुसफुसिया सुख सुविधाएं दे करके बना दिया, सपना सजा करके बैठे, हम तो इतनी संपत्ति जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतना बैंक बैलेंस जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतने बड़े बड़े मकान दे करके जाएंगे। एक बात मेरी याद रखना, चाहे सब भूल जाना, एक बात मेरी पर याद रखना, सब भूल जाना, जिस दिन जिसकी तादाद ज्यादा होगी और जिसकी हुकूमत ज्यादा होगी, तुम्हारे कोठी बंगलों पर राज तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे, वो करेंगे। तुम्हारे उस पैसे को तुम्हारे बच्चे नहीं बरतेंगे, वो बरतेंगे। तुम्हारी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार तुम्हारा नहीं होगा, उनका होगा। अगर यकीन ना हो तो कश्मीर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, अगर यकीन ना हो तो पाकिस्तान को अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके वहां से भगना पड़ा था, वो जमीन भी छोड़ी, वो कोठी बंगले भी छोड़े, वो धन संपत्ति भी छोड़ी। और इससे ज्यादा और दुर्गति क्या होगी कि छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को अपना पैसा पिला पिला करके भारत तक उनको लाना पड़ा। तुम सोच करके देखो, ये स्थिति हो चुकी है। और अगर ये पहले हो चुका है, आगे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मान करके मत चलना, क्योंकि जो कौम अपने भूले इतिहास से शिक्षा नहीं लेती, उस कौम के मिटने में कभी भी देर नहीं लगती, उसके मिटने में कभी भी देर नहीं लगती। आप और जगह की बात छोड़ दो, मैं आपके सामने मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रही, मैं आपके सामने सहारनपुर कैराना की बात या मेवात की बात नहीं कर रही, उदयपुर, ईमानदारी से बताना किसका शहर है उदयपुर, किसका है? अरे उदयपुर वो शहर है जहां पर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह जैसी शख्सियत पैदा हुई। उन्होंने तो अपनी पूरी ताकत हम तक ये संस्कृति को बचाने में लगा दी, वो तो मर गए, खप गए। पर हम क्या कर रहे हैं? हम केवल और केवल अपने साधन, अपने धन, अपनी सुविधाओं को बढ़ा तो रहे हैं, पर कब तक रहोगे आप इन सुविधाओं में? जब आपकी पैरों तले की जमीन ही नहीं बचेगी तो इन सुविधाओं क्या हवा में टांग करके चलोगे आप?
ये भी सुरक्षित तभी रहेगी जब आपकी अस्मिता सुरक्षित रहेगी। और आपकी अस्मिता पर कितना बड़ा संकट हो सकता है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लो कि जो भूमि उदय सिंह ने बसाई थी आज दिन दहाड़े उसी भूमि के अंदर एक दर्जी की गर्दन बेचारे की काट दी गई और पूरा का पूरा मोहल्ला, ध्यान रखना, हिंदुओं का था, बाइक पर सवार थे, कोई तोप नहीं थी, कोई गोली नहीं थी, अरे कुछ कुछ भी उठा करके मारते तो भी वो लोग वहीं के वहीं गिर जाते कि नहीं गिर जाते। पर कमजोरी पता है क्या है? कमजोरी ये है कि वो तो हवा में चक्कू लहराते हुए चले गए और ये हमारे वाले फुसफुसी अपने सामान उठा उठा करके दुकान में अंदर रखने लगे, ताली ताकल ताला लगा करके घर को भाग जाए, ये अपने सामान बचाने में लग गए। और ध्यान रखना, जो दिन दहाड़े उस पड़ोसी की गर्दन काट सकते हैं, क्या गारंटी है कल को वो सामान में आग नहीं लगा सकते? बोलो, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? फिर कहां बचाओगे तुम? फिर कहां बचाओगे तुम? ये तो आग लग चुकी है और इस आग से बचने का एक ही साधन है, ध्यान रखिएगा, और कोई इस रास्ता नहीं है। वो पाठ तो बहुत पढ़ा दिए गए कि एक गाल पर थप्पड़ मारो और दूसरा भी आगे कर दो, है ना? ये पाठ कहीं काम नहीं आए। लोग कहते हैं ना, इस पाठ से आजादी मिल गई। आजादी इस पाठ से पढ़ने से नहीं मिली, आजादी तो क्रांतिकारियों के गरम गरम खून पर तैर करके आई है। आजादी तो तब आई है जो सुभाष चंद्र बोस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने अंग्रेजों को ही अंग्रेजों के खिलाफ करके ऐसा तंत्र रचा दिया था कि जिस चक्रव्यूह से अंग्रेजों के लिए निकलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए क्लाइमेंट एटली ने कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि ना तो हमने भारत को गांधी के चरखे की घूंघू से छोड़ा, ना हमने क्रांतिकारियों की गोलियों की धूधू से छोड़ा। अगर हमने भारत को छोड़ा है तो इसलिए कि भारत के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार हो चुका था जो अगर फट जाता तो अंग्रेजों का बच्चा बच्चा जल करके राख हो जाता। उस ज्वालामुखी का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पर आज सुभाष चंद्र बोस ही कहां गायब हो गए, आज ये जानना नहीं चाहते भारत के लोग। आज लाल बहादुर शास्त्री की हत्या क्यों हुई ये जानना नहीं चाहते लोग। आज जिस गांधी जी के गीत गाते हैं उस गीत के कारण ये भारत आज तक उस निकम्मेपन को भुगत रहा है, उस कमजोरी को लोग जानना नहीं चाहते। आज कश्मीर के अंदर जो बवाल है ये इन्हीं थप्पड़ों की देन है, ध्यान रखना, इस बात को जानना नहीं चाहता आज भारत का युवा। आज भारत का युवा ये जानना चाहता है सलमान खान अब तक रंडवा क्यों है, उसने विवाह क्यों नहीं किया, मुझे ये जानने में रुचि, यही है ना? बोलो, कैटरीना कैप उसके फलाने के यहां क्यों चली गई, शादी करके वो इसके साथ क्यों नहीं आई? आज का युवा ये जानना चाहता है। क्या करोगे आप इस युवा का? आपको लगता है ये बदला जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही बदला बदलाया है, इसको तो दो थप्पड़ मार के कोई कहीं भी जल चढ़वा ले और कोई कहीं भी इसको पता लगा कुछ भी पढ़वा ले ये तुरंत पढ़ देगा, ये इतना कमजोर। क्योंकि जो मजबूत बनाने वाले साधन थे वो तो आपने सारे समाप्त कर दिए। घर में आपके यज्ञ होता नहीं है, घर में आप संध्या करते नहीं हो, घर में आप अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते नहीं हो, घर में माँ बाप कभी बैठ करके देश धर्म की चर्चा करते नहीं है। और तुम सोचो कि 25 साल में हम बच्चों को बताएंगे बेटे धार्मिक कैसे बनते, तब बनेंगे क्या वो? वो खुद नहीं बदलेंगे, वो तुम्हें बदल देंगे, वो तुम्हारे हाथ का दलिया नहीं खाएंगे, वो तुम्हें बर्गर खिलाना सिखा देंगे, ध्यान रखना। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, थोड़ा सा चिंतन और मंथन करो कि ये पीढ़ी जाएगी तो जाएगी कहां, ये संस्कृति बचेगी तो बचेगी कैसे? और अगर बचाना है तो बचाने के लिए एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। परिवारों के अंदर यज्ञों की परंपरा डालो, संध्या की परंपरा डालो, अपने घरों पर ओम के ध्वज लगाओ, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, अपने भाइयों के पास अपने उठ बैठ को ज्यादा बढ़ाओ। ये मोबाइलों की दुनिया से बाहर निकलो, ये मोबाइल कल्याण नहीं करेंगे आपका, ये आपको डिप्रेशन में ला करके खड़ा कर देंगे। आपस में उठ बैठ को ज्यादा बढ़ाओ, ये ऐसे कार्यक्रम होते रहे ताकि एक फोन पर 100, 50, 200, 500 लोग कम से कम इकट्ठे तो हो जाएं। अगर तुमने ये परंपराएं भी बंद कर दी, तुम करते रहना फोन, विपत्ति आ जाएगी, लोग आ ही नहीं पाएंगे, दूसरे तुम्हें तुरंत रगड़ करके चले जाएंगे। तो ये चीजें अपनी मजबूत बना करके रखो। और एक बात और,
गांव के अंदर जो भी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, इस बिरादरीवाद के जहर को समाप्त करके आपस में भाईचारे के भाव को स्थापित करो, सबके बीच में जाना शुरू करो, सबको अपने यहाँ पर बुलाना शुरू करो। आज जिनको तुमने दलित कह के, अछूत कह के अपने से अलग कर दिया, आज दूसरे लोग उन्हीं को अपने में मिला मिला करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। और हमारी घट रही है, उनके पास जाना शुरू करो, उन्हें बुलाना शुरू करो। आर्य समाज ने जहां शुद्धि आंदोलन चलाया था, वहां आर्य समाज ने दलितों उद्धार सम्मेलन भी चलाया था, क्योंकि ऋषि दयानंद जानते थे ये वक्त के सताए हुए हैं, दूसरे लोग इनकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएंगे, इन्हें लालच देकर के अपने में मिलाएंगे। इसलिए ऋषि दयानंद ने दलितों के बीच में जा जाकर के यज्ञ कराया, उन्हें यज्ञोपवीत दिए, उन्हें अपने साथ जोड़ा। मैं तुम्हें फिर कह रही हूं, आर्य समाज की वो मुहिम फिर से चलानी पड़ेगी तो हम बच सकते, नहीं तो बचने के कोई चांस हमारे नजर नहीं आते, हम मिटेंगे जरूर, ध्यान रखना। थोड़ा सा चिंतन मंथन करें।